राजस्थान में राज्यसभा और लोकसभा के चुनाव नज़दीक हैं, ऐसे में आज राज्यसभा की तरफ से कांग्रेस ने सोनिया गांधी को उम्मीदवार बनाया, जिन्होंने अपना नामांकन दाखिल किया, जहां पर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ सचिन पायलट, गोविंद सिंह डोटासरा, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी सभी मौजूद रहे, जिन्होंने राज्यसभा के लिए सोनिया गांधी का नामांकन दाखिल करते समय साथ में उपस्थित रहे। आज अब लगभग ये तय हो गया है, क्योंकि भाजपा की तरफ से मदन राठौड़ और चुन्नीलाल गरासिया को राज्यसभा सांसद के लिए उम्मीदवार बनाया गया है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस की तरफ से सोनिया गांधी को। अब ये माना जाए कि 27 तारीख को जो चुनाव वोटिंग होनी थी वो लगभग नहीं होगी, क्योंकि भाजपा तीसरे उम्मीदवार को नहीं उतारेगी और दूसरी तरफ कांग्रेस दूसरे उम्मीदवार को नहीं उतारेगी, तो इसको देखते हुए 20 तारीख को जब नामांकन वापस लेने की तारीख होगी उसी दिन ये तय हो जाएगा कि राज्यसभा में कौन जा रहा है। इसके साथ ही लोकसभा के चुनाव भी अहम हो जाएंगे, क्योंकि राजस्थान से राज्यसभा उम्मीदवार जो हैं वो सोनिया गांधी को बनाए जाने के बाद लोगों में और राजस्थान की जनता में अब एक नया उत्साह होगा और उमंग होगी कि यहाँ से सोनिया गांधी राज्यसभा जाएगी। सोनिया गांधी 5 बार से लोकसभा सांसद रही है, लेकिन इस बार लोकसभा से चुनाव नहीं लड़के राज्यसभा से वो सांसद बनेगी और राज्यसभा में जाएगी। राजस्थान से लोगों का ये भी कहना है कि क्या राजस्थान में कांग्रेस के पास कोई उम्मीदवार नहीं था, यहाँ का कोई लोकल कैंडिडेट नहीं था, जिसकी वजह से सोनिया गांधी को उतारा गया। इस पर सीपी जोशी ने कहा कि राज्यसभा सांसद बनाना पूरे देश का बात है, जिसके लिए पूरे देश के लिए कानून बनाए जाते हैं, इसके लिए कहीं से भी किसी को भी बनाया जाए ये महत्वपूर्ण हो जाता है। तो दूसरी तरफ लोकसभा की बात करें तो लोकसभा के चुनाव नज़दीक है, जहां पर भाजपा और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों ने कमर कस ली है कि किसी तरीके से लोकसभा के सभी सीटें जीती जाए। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ कहा है कि इस बार NDA 400 पार जाएगी और एक बार फिर तीसरी बार मोदी सरकार बनेगी। आपको ये भी बता दें कि राजस्थान से राज्यसभा में कांग्रेस की तरफ से सिर्फ एक जो उम्मीदवार है नीरज जांगी वो राजस्थान से हैं, तो दूसरी तरफ भूपेंद्र यादव जो भाजपा के हैं वो राजस्थान के बाहर से हैं। तो दोनों ही पार्टियों में ये अहम हो जाता है कि एक तरफ जहां कांग्रेस बाहरी उम्मीदवारों को राज्यसभा में भेज रही है, बाहरी प्रत्याशी और बाहरी कैंडिडेट्स को, तो वहीं पर भाजपा जो है यहाँ के लोकल प्रत्याशियों को राज्यसभा भेजने का काम कर रही है। ये भी अब भाजपा के पास बोलने के लिए। दूसरी तरफ विधायक जो है हवा महल से बाल मुकुंदाचार्य, उन्होंने कहा कि ये जो है सोनिया गांधी को लोकसभा से चुनाव लड़कर जाना चाहिए था, ये जवाई बहू और माँ बेटे की पार्टी बन गई है, जिसको लेकर लगातार भाजपा जो है कांग्रेस के ऊपर हमला बोल रही है। देखना ये होगा कि अब जो 20 तारीख को जब नामांकन वापस लेंगे उसी दिन ये तय हो जाएगा कि सोनिया गांधी राज्यसभा में जा रही है, तो दूसरी तरफ भाजपा से मदन राठौड़ और चुन्नीलाल गरासिया राज्यसभा में जाएंगे। विधानसभा में आज सोनिया गांधी ने नामांकन दाखिल किया, जो कि महत्वपूर्ण। सुबह जब सोनिया गांधी यहां पर पहुंची थी तभी औपचारिक तौर से विधायक दल की बैठक हुई और घोषणा हुई, जिसके बाद में सोनिया गांधी ने आज नामांकन राज्यसभा के लिए दाखिल किया। कैमरामैन देवेश के साथ सागर चौधरी, जयपुर, राजस्थान।